मैं मित्रों देश की शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं, रोज परीक्षा दे रहा हूं, रोज नई बात सीख रहा हूं और मैं सदैव विद्यार्थी के नाते तैयार भी रहता हूं। आज कोई इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम जब विद्यार्थी थे हम उसको उस अवसर को हमारे समय में उतना अवसर नहीं था, लेकिन आज के विद्यार्थियों के पास इतना अवसर है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, जिंदगी की आखिरी क्षण तक मनुष्य सीखता है और मैं तो रोज सीखता हूं। आज मैंने यहां सीखा हूं, जब विश्व पाश्चात्य देश ये फेमिनिज्म की बात लेके बहुत आग्रही रहता है, उनके लिए बहुत शब्दावली भी ढूंढा है, एम्पावरमेंट को एक दृष्टि से उन्होंने देखा है उस समय में, और एक शब्द में शिक्षा विभाग में जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें कहा गया है भारत की शिक्षा को जड़ से जोड़ना। मैं किसी से उसको व्याख्यान करते उन्होंने कहा क्या फिर आप पुराने चीजों को सिखाने ले जाओगे, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, जड़ से जोड़ना यानी याज्ञसेनी की भाव जगाना, संवेदना खड़ा करना, सत्य के लिए दृढ़ता के साथ संघर्ष करना। मैं बचपन में याज्ञसेनी को पढ़ाता, शायद मैं आपने 84 में लिखा, मैं शायद 85-86 तक वो किताब पढ़ लिया था। मैं कॉलेज में तब था और मैं शायद अभी गिनती नहीं कर पाऊंगा कितना बार पढ़ा हूं। वो भाव जो हमने उस समय में उस याज्ञसेनी के अंदर देखा और आज जो यहां सुना, प्रतिभा राय जी ने कहा कि मैं ह्यूमैनिस्ट हूं, पाश्चात्य महिला को एक आइसोलेशन में दिखती है, ये फेमिनिज्म में ऐसा नहीं होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, मनुष्य पुरुष भी होता है, मनुष्य नारी भी होती है, इसलिए भारत में अर्ध नारीश्वर को भी हमने पूजा किया है, शिव पार्वती कहा है, राधा कृष्ण कहा है, हर पार्वती कहा है, ऐसे अनेक वर्णन हमने किया है जिसमें हमने चीजों को एक जीवंत रूप में देखा है। और याज्ञसेनी के बारे में जब हमने चर्चा किया था और G20 की Women 20 की कोहट में उस मूल जड़ से जुड़ी हुई भारतीय भावाबेग की अभिव्यक्ति की नाम है याज्ञसेनी, और उसके ऊपर महिला सशक्तिकरण को लेके जो 2 दिन की विमर्श आप करोगे निश्चित रूप में यह लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालने वाला होगा, ये एक पाथ ब्रेकिंग न्यू ऑर्डर लेके आएगा। मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से कभी दुनिया में अनुध्यान करता हूं, अनुशीलन करता हूं, तो पाश्चात्य देशों में माताओं की बहनों की घरेलू काम को भी इकोनॉमिक क्वांटिफिकेशन किया जाता है, उस देश की GDP में उसको आंका जाता है। और मैं मेरे माताओं की बहनों की महिला शक्ति की श्रम को कभी ऐसे देखा ही नहीं। विश्व प्रसिद्ध लेखिका भी रोशई करती है, दुनिया के लिए न्यूज होगा, क्योंकि हमने ऐसे कभी दुनिया ऐसे नहीं देखी है, चीजों को हमने देखा है, हमने कभी सेगमेंट नहीं किया है, क्योंकि हम भाव से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं चाहता था कि इसके ऊपर, ये तो हमारे जीवन के अंश है ना, आदि अनंत काल से इसको लिखा गया, एक कल्पना कोई कह सकता है, ये कल्पना नहीं है, कल्पना होता, इमेजिनेशन होता तो क्या सदियों तक इसके शब्द बदलते हैं, लेकिन भाव इतना है कि आंखों से आंसू आ जाता है, इसी की नाम है सत्य। और मैं चाहता था याज्ञसेनी के बारे में व्याख्यान हो
और मैं आज ये चीज दूसरा चीज सीख के जा रहा हूं, भागीरथ नंद जी में इतने प्रतिभा है, हमको प्रतिभा जी ने एक बार कहा था लेकिन हमें पता नहीं था। उन्होंने अपने पहला प्रारंभ एक इतने मधुरता के साथ प्रार्थना के साथ शुरू किया, और जिस ढंग से, और हम भागीरथी जी और हमारी आदरणीय प्रतिभा जी तीनों सोचते उड़िया में, बोलते हिंदी में, पर हम सभी के, मैं भी भागीरथी जी का व्याकरण तो ठीक ठाक हो गया है, मेरे टीचर हो जाएंगे अभी ये, अभी भी मैं प्रतिभा जी मेरे को, मैंने कहा कि आपके मैं बहुत भाषण सुना हूं, आज तो सबसे बढ़िया था, और वो थोड़ा बोलने में कुंठित रहते, मैं सौभाग्य मेरे को मिला कई सभाओं में उनके साथ इकट्ठा रहने के लिए, और कभी कभी मेरे तो प्रारंभ में जब रहा मैं तो खुद को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं प्रतिभा राय जी के साथ मंच पे बैठा हूं, कोई उड़िया सामान्य व्यक्ति की इसको तो हम सौभाग्य मानते हैं। तब मैंने उनकी भाषण को सुना, बहुत कुंठित रहते हैं यार, मैं तो लिख तो कह भी दिया, उन्होंने शुरू भी किया था, मैंने कह भी तो लिख तो दिया है, कहना क्या है और क्या बचा है, कहूंगा मैं जो कहना है मैं लिख दिया है, ऐसा नहीं। लेकिन आज उन्होंने मग्न हुए, भगवान के साथ मग्न हुए, अध्यात्म हो गए वो आज, और भागीरथी नंद जी उसको एक अलग प्रारूप दिए, और मैं चाहता हूं उसको हमारे विश्वविद्यालय के आखिर काम क्या है, या बहुत सारे सतपति जी से लेके मिश्रा जी से लेके हमारे बरखड़ी जी कम नहीं है, क्या हम सिर्फ सेवन पे कमीशन तक विश्वविद्यालयों में रख देंगे क्या? आप सेवन पे कमीशन लीजिए, जो लेना है लीजिए, लेकिन विमर्श तो करिए इस सभ्यता में, इस समाज में जो पूंजी है,